सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जो डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप की जो स्क्रीन रहती है उसको कैसे शेयर करते हैं फेसबुक मैसेंजर में। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। नॉर्मली तो दोस्तों आप जो है आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्क्रीन फेसबुक मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी और के साथ। उसी तरीके से डेस्कटॉप में उसको कैसे करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपका कोई भी एक वेब ब्राउज़र आपके पीसी में ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है मैसेंजर। इस तरीके से सर्च कीजिए और एंटर हिट कीजिए। इसकी जो मैसेंजर वाली ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वो ओपन कीजिए। इस तरीके से ओपन करने के बाद जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड रहता है फेसबुक का वो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, या चाहे तो आप एक रूम क्रिएट करके आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या फिर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कोई पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ मेरी पीसी की स्क्रीन मैं आपको शेयर करके बताऊंगा। तो जस्ट आप अपना वीडियो कॉल एक्टिवेट कीजिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों शेयर योर स्क्रीन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास और एक विंडो ओपन हो जाएगी। चाहे तो आप अपने एप्लीकेशन की विंडो शेयर कर सकते हैं या फिर आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो आप क्रोम ब्राउज़र का अगर आप टैब शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप पूरे इंटायर स्क्रीन को ही शेयर करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा और सिंपल सा वीडियो है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग डेली वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।